डियर गाइस, यू आर ऑल वेलकम। प्रिय छात्रों, आप लोगों का अपना मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछले 3 दिनों से हम फिगर्स ऑफ स्पीच पर चर्चा कर रहे हैं, और टुडे देयर आर 2 फिगर्स ऑफ स्पीच और द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ योर फिगर्स ऑफ स्पीच, आई पर बोली एंड ओनोमेटोपोया भैया। आज हम इन्हीं दो अलंकारों पर चर्चा करेंगे, व्हाट इज आई पर बोल एंड व्हाट इज ओनोमेटोपोया। आई शैल डिफाइन एंड रिप्रेजेंट सम एग्जांपल्स ऑफ दीज टू फिगर्स ऑफ स्पीच स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट द रिमेनिंग फिगर्स ऑफ स्पीच एज नंबर 6 हाइपरबोल। प्रिय छात्रों, इट मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, इस अतिशयोक्ति शब्द को यदि आप हिंदी में ले लेते हैं, इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं, तो इट विल बी अ वेरी इजी फिगर ऑफ स्पीच इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस फिगर ऑफ स्पीच। अतिशयोक्ति, हिंदी में भी आपने पढ़ा है अतिशयोक्ति अलंकार, कि जब किसी बात को कोई कवि, कोई लेखक या कोई व्यक्ति बोलता है या लिखता है, इसमें वह उसे इतना ऊपर बढ़ा चढ़ा कर कह देता है, लिख देता है, तो वहाँ पर लगता है कि ये कल्पना है, वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, तो हम वहाँ उस बढ़े चढ़े हुए बात को जो बढ़ा चढ़ा कर की गई है, ओवर स्टेटेड होता है, अर्थात उस बात को हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तो वहाँ पर हम हाइपरबोल समझते हैं। इंग्लिश, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। बताया गया कि इस अलंकार में हम वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा बड़ी अथवा ज्यादा से ज्यादा छोटे रूप में, या ज्यादा से ज्यादा बढ़िया या ज्यादा से ज्यादा खराब रूप में प्रस्तुत करते हैं, अपेक्षा के जैसे वे वास्तव में वैसा नहीं होती हैं, लेकिन हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हीं वस्तुओं को या किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर या घटा कर या बढ़ा कर या दुर्गुण या गुण दोनों को, या तो हम बहुत नीचे घटा देते हैं या बहुत बढ़ा देते हैं उस बात को, तो जब हम उसे देखते हैं वो कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अर्थात हाइपरबोलिक। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मीन्स अतिशयोक्ति, किसी बात को ऊपर अधिक से अधिक कह देना, ज्यादा से ज्यादा उसे बढ़ा चढ़ाकर कह देना। आर ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट का मतलब भी होता है किसी बात को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ा देना, ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ाकर कह देना ही यह अलंकार होता है। लेट अस नो सम एग्जांपल्स ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच एज सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। डियर स्टूडेंट्स, इसकी मीनिंग देखें, सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वो एकदम वो रोई की समुद्रों, ओशन मीन्स सागर, की एकदम आंसुओं के सागर भर रोई, अर्थात वो बहुत रोई कि उसके रोने से, उसके आंसुओं से जो है एक सागर जैसा जल इकट्ठा हुआ, अर्थात वो आंसुओं के सागर में रोई, अर्थात बहुत रोई, बिल्कुल। इट इज ओनली टू से फॉर बी अंडरस्टैंड दैट इट इज फुल ऑफ इमेजिनेशन, एक कल्पना है, इट इज मैटर ऑफ फैंसी, बिल्कुल एक कल्पना है, ऐसा इट इज इम्पॉसिबल। वास्तव में इसमें क्या होता है, असंभव को हम संभव रूप में दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
अगला है तो यहाँ क्या है ओशन ऑफ टीयर्स, यू विल फॉलो दिस वर्ड ओशन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का सागर। नेक्स्ट है रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड, माय डियर स्टूडेंट्स शेयर वॉच रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां फ्लोड इन द बैटल फील्ड, रण क्षेत्र में खून की नदी बह गई। बिल्कुल बात सुनने से लगता है बिल्कुल क्या है ओवर स्टेटमेंट है, यह क्या है स्पीच ऑफ एग्जैजरेशन। तो यहां पर क्या है कि रण क्षेत्र में खून की नदी बह गई है, बिल्कुल बात क्या है बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। नेक्स्ट 10,000 आई सा एट ए ग्लांस, ग्लांस मींस दृष्टि, सरसरी दृष्टि में मैंने एक ही निगाह में 10,000 लोगों को देखा। आप और हम 100 लोगों को भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम आप कहते हैं कि मेले में करोड़ों लोग थे, गिने नहीं, कहीं भी आप ऐसे बोल जाते हैं क्या है वो, सर्टनली देयर विल बी आई वर मोर। अगले देखें, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, ये परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में आई है कई बार और आने की उम्मीद है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट नोट ऑल दीज लाइंस इन योर कॉपी एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, मेंटेन योर नोट्स, आर परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, माइंड इट आर परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। वाह कितनी बड़ी बात कि अरब देश के, अरबिया मीन्स अरब के सारे इत्र, आल समस्त, परफ्यूम मीन्स सुगंधित, इत्र सेंस सारे, अगर हम इत्र को इकट्ठा कर लें रख लें फिर भी लिखा है विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इस छोटे हाथ को अरब के समूचे सारे इत्र खुशबू नहीं दे पाएंगे। वाह कितना बड़ा कितना छोटा हाथ है और उस छोटे हाथ पर भी अरब का सारा इत्र इकट्ठा करने पर डाल दिया जाए तो भी पूरा हाथ खुशबू से युक्त नहीं होगा। क्या है इट इज ऑल्सो स्पीच ऑफ एग्जैजरेशन, आर ओवर स्टेटमेंट। नेक्स्ट है बेलिंडा स्माइल, ध्यान दें ये दोनों पंक्तियां स्टूडेंट्स पे अटेंशन व्हाट आई से, ये विलियम शेक्सपियर के नाटकों से है, बेलिंडा टेम्पेस्ट की हीरोइन है, इसके बारे में कहा गया है और आल परफ्यूम्स पर अभी ये भी वहीं से लिया गया है। ये दोनों पंक्तियों में विलियम शेक्सपियर शोड आई पर बोल बेलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, बेलिंडा मुस्कुराई, ध्यान दें बेलिंडा मुस्कुराई एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, मुस्कुराई एक ऑल द वर्ल्ड वाज गे और दुनिया पूरी क्या हुई रसमय हो गई खुशहाल हो गई। इज इट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल एट ऑल बट वी एक्सेप्ट, सो दैट इज वाई ड्यू टू ओवर स्टेटमेंट वी कम टू नो दैट देयर विल बी आई पर बोर्ड। द लास्ट फिगर स्पीच ऑफ योर सिलेबस एज ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया की हिंदी में दे दीजिए ध्वनि सूचक अलंकार। तो डियर स्टूडेंट्स आपको सिर्फ इसी समान ध्वनि, ध्वनि की हिंदी, ध्वनि की इंग्लिश साउंड होती है, सीधे सीधे परिभाषा होती है कि ओनोमेटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच साउंड्स आर इकोस वॉयस सजेस्ट सेंस ऑफ मीनिंग, क्या मतलब हुआ इसका अर्थ हुआ कि ध्वनि सूचक अलंकार एक ऐसा अलंकार है इसमें ध्वनि जो है प्रध्वनि या आवाज जो है क्या करती है वो सुझाती है इसकी तरह सेंस भाव की तरह अथवा मीनिंग उसका अर्थ देने के लिए कि ऑन द होल यू कैन से दैट ओनोमेटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच साउंड सजेस्ट संसार मीनिंग, कि इसमें हम ध्वनि को ये देखें। माय डियर फ्रेंड्स यू मस्ट सर्किल द वर्ड साउंड, साउंड शब्द को दिमाग में रख लें
जहाँ भी आपको ध्वनि का प्रतीक दिखे वाक्य में, तो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल फॉलो दैट देयर विल बी उनमेटो कुया। फॉर एग्जाम्पल वी टेक सम एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट सोर्ड क्लैंग एंड गन्स बूंद। ध्यान दें यहाँ क्लैंग, क्लैंग क्लैंग मीन्स होता है टंकार भरना, टक्कर होना, जैसे तलवारें क्या हुई चटकने लगी, एंड गन्स बूंद और बंदूकों से कैसी आवाज आती है धाय धाय की आवाज, तो बूंद सब क्या है धाय धाय की आवाज होती है, क्लैंग की टंकार की आवाज होती है, या टंकार तलवार के, तलवारों के मिलने से, एक ने दूसरे के मिलने से वो जो आवाज होती है क्लैंग है, और यहाँ बूंद क्या है बंदूकों की आवाज है। अगला है द स्नेक्स आर हिसिंग, हिसिंग यू मस्ट अंडरलाइन क्लैंग बूंद हिसिंग, हिसिंग मीन्स फुफकारना, सर्प फुफकार रहे हैं, फ्लाइंग बर्ड्स मधुमक्खियां भरना रही हैं, बीज हम बीज फ्लाई मक्खियां भुंजा रही हैं, बीज हम मधुमक्खियां गुलजार कर रही हैं, या वो भी भरना रही हैं, कैट्स न्यू बिल्लियां नाचना करती हैं, एंड डॉग्स बार कुत्ते भौंकते हैं, तो ऑल दी वर्ड्स रिप्रेजेंट पूरे बेटो कोई यार विद दीज वर्ड्स। स्टूडेंट्स थैंक्स यू आर